नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूं। जैसे कि मैं अपने अपने व्यूवर्स को इससे पहले मैक्सी ट्रक और मैक्स पिकअप के बारे में जानकारी दी, तो मैं अभी आप सभी के सामने एक अपनी महिंद्रा की सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक गाड़ी के बारे में रिव्यू करना चाहता हूँ। आशा कि आपको पसंद आएगा, तो एक नज़र गाड़ी की तरफ देखिए आप। तो दोस्तों, आपने गाड़ी को चारों तरफ से देख ही लिया होगा, तो अब मैं आपको गाड़ी के साथ साथ रिव्यू कराता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले महिंद्रा का सिग्नेचर लोगो, आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी देखेंगे तो सिग्नेचर लोगो के साथ आपको शुरुआत होगी और सिग्नेचर लोगो के एक शानदार आकर्षक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक ग्रिल मिलेगी, क्रोम ग्रिल के साथ। आप इसमें रेडिएटर के नीचे जो देखी जाएगी तो जगह दी हुई है, ताकि गाड़ी को चलती जितनी तेज चलेगी, जैसे मैंने पहले बताया था, उतने ही हवा लगेगी और इंजन को ठंडा कर रहा है, काम करेगा रेडिएटर आपका। साथ ही साथ आपको शीशे की विजिबिलिटी आपको सामने नजर आ ही रही है, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। साथ एक स्पेस जो बड़ा दिखेगा आपको, और वाइपर जो है शीशे का आपका साफ करने का काम करेंगे महिंद्रा के लोगों के साथ। और अब मैं जो बात कर रहा था आपसे, सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक बैचिंग के साथ आपको मार्क मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक। साथ ही साथ अगर हम बात करें लाइट की, लाइट काफ़ी चौड़ी होने के कारण आपको हाइलोजन जो लाइट है, इसके अंदर हाइलोजन लाइट है, इसके अंदर आपको साथ में इंडिकेटर की सुविधा साथ ही साथ दी हुई है। जितनी चौड़ी लाइट होती है तो सामने की विजिबिलिटी उतनी ही क्लियर आती है, तो आप देखिए। साथ ही साथ इसमें आपको जो दिया हुआ है रिफ्लेक्टर के नीचे भी जगह दी हुई है, ताकि हम रात में सफ़र कर रहे हैं या अंधेरे में, तो रोड पर सेफ्टी फीचर के लिए सामने से इस तरफ रिफ्लेक्टर हो रही है, रिफ्लेक्टर की इस तरफ जगह दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक, ये देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मिनी ट्रक बैचिंग के साथ आपको स्पेस देखने को मिलेगा मार्क इसका। अगर हम टायर की बात करें सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक, एक मैं बात क्लियर कर देता हूँ सभी को, पहले मेरी गाड़ी इस टाइम में मैक्सिमो के नाम से आती थी, जो कि मार्केट में काफ़ी समय तक चली, काफ़ी धुआं भी उठाया, काफ़ी तरीके से चली है वो गाड़ियाँ, और कहीं जगह सक्सेस हो पाई है, कहीं जगह सक्सेस नहीं हो पाई, वो कस्टमर के रख रखाव के ऊपर लगा लीजिए, थोड़ा सा कुछ अपने ऊपर भी था, तो उसमें और इसने फ़र्क किया था। मैं बता देता हूँ, जो हमारी मैक्सिमो गाड़ी थी और ये सुप्रो जो गाड़ी है, इसमें तो आपको बता रहा था सुप्रो मिनी ट्रक और मैक्सिमो में क्या फ़र्क था। मैक्सी ट्रक में आपको गाड़ी में आ गई, जैसे कि आप टायर साइज देखोगे सर, टायर साइज में मैक्सिमो में था 12 इंची टायर और इसमें है 13 इंची, इसमें 1 इंची टायर साइज बढ़ा दिया है। अब है टायर इसमें जेके कंपनी के, और टायर का तो सर लोड के हिसाब से आएगा, जो अपना कंपनी का एक कंपनी महिंद्रा कर सकते, इसमें इस कंपनी को 3-4 कंपनी से टाइप करना पड़ता है, जेके अपोलो सीएट, वो लोड के हिसाब से जिससे आपका लोड आएगा उस हिसाब से आपको टायर अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें अब सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक में दोस्तों पटे कमानी दे दिए हैं। पहले क्या गाड़ी थी ये, पहले सस्पेंशन में आते थे, सस्पेंशन में आने के कारण वो टायर ज़्यादा खाते थे,
अब इसको आगे भी पट्टे कर दिया है और पीछे भी पट्टे कमाने में कर दिया है ताकि आपके टायर भी ज़्यादा चल पाएँ और वजन उठाने में गाड़ी ज़्यादा कामयाब हो सके। देखिए आप आगे तो देखे थे आपने पट्टे कमानी, तो पीछे भी आप देख सकते हैं, तो पीछे भी पट्टे कमाने की बता देता हूँ, तो 7 पट्टे कमाने हमारे फ्रंट में रहेंगे और 8 पट्टे कमाने हमारे रियर में रहेंगे। साथ साथ टायर साइज वही सेम रहेगा 13 इंची का। और डाला साइज की अगर बात करें, डाला साइज अगर इसकी बात करें तो 7.5 फीट का इसका लंबाई मिलेगी डाले की। और चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई इसकी 5 फुट चौड़ाई रहेगी, जिसमें कि आप अपना सामान आराम से कैरी कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। पेलोड की अगर बात करेंगे तो इसका ग्रोस पेलोड आपका 900 किलो तक पासिंग है। उठाने की क्षमता अगर बात करते हैं तो इसमें आप 2 टन तक उठाकर ले जा सकते हैं। अगर बात करें बैक टेल लाइट, इसके अंदर सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक में दोस्तों बैक टेल लाइट है। इसकी क्या सेफ्टी फीचर है, जैसे कि हम गाड़ी पीछे से कई बार लग जाती है, क्योंकि जैसे अब सरकार ने बम्पर वगैरह सब बंद कर दिया है कि बम्पर नहीं लगवा सकते, ना हम आगे लगवा सकते, ना हम पीछे लगवा सकते हैं। तो सेफ्टी फीचर के लिए बैक टेल लाइट आपकी बॉडी के अंदर ही फिट है, ताकि अगर कहीं गाड़ी लग जाती है तो आपकी लाइट जो है बिल्कुल सेफ रहे। साथ ही साथ गाड़ी में सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक में बैक सेंसर की सुविधा दी हुई है। बैक सेंसर अगर हम गाड़ी को बैक ले रहे हैं या फिर हम अकेले ड्राइव कर रहे हैं, कोई हमारे को हमारे पास को ड्राइवर नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो हम इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं इस बैक सेंसर के द्वारा। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें स्टेपनी रखने के नीचे एक स्पेस दिया हुआ है, जो कि बेहतरीन स्पेस है, जो कि आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, और एक अपनी अलग जगह बनाई हुई है स्टेपनी की, ये देख लीजिए आप। और जो मैं आप गाड़ी से रूबरू करा रहा हूँ, गाड़ी का मॉडल है सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक VX, ये VX जो है मॉडल, उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ अभी। साथ ही साथ तो दोस्तों अब मैं महिंद्रा का सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक, इसको मैं अंदर से रूबरू कराता हूँ। तो आइए देखिए गाड़ी से। तो सर आपको देखेंगे तो गाड़ी के अंदर ये जो दिया हुआ है ब्राउन कलर का है, बहुत ही आकर्षक है, कार की तरह है। आप शीशा है जो ये आराम से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें ये सुविधा है। और लॉक के लिए आप खून दरवाज़ा खोलने के लिए, बंद करने के लिए और दरवाज़ा बंद करने के लिए हैंडल, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग की, आइए सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक में वैसे पावर स्टीयरिंग नहीं आता, लेकिन और गाड़ियों की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो जैसे हम ड्राइव करेंगे तो एक स्मूथली ड्राइव करने को मिलेगा आपको, बिल्कुल हल्का मिलेगा। इसमें आप महसूस नहीं कर पाओगे कि आप पावर स्टीयरिंग में चला रहे हो या फिर बिना पावर स्टीयरिंग के। साथ ही साथ में इसमें इंडिकेटर के लिए, लाइटिंग के लिए सब अलग अलग अपनी अपनी जगह दी हुई है, ताकि आपको आराम से देखने को मिलेगा। हाँ, इसका मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, ये देखिए मीटर जो है इसका भी आपका डिजिटल मीटर है, देखने को मिलेगा। ये देखिए सर, मैं आपको इसमें आपको साइड में टेम्परेचर की जगह दी हुई है, फ्यूल की दी हुई है, और अपना इसमें हर एक चीज़ का, तेल का, हैंड ब्रेक का, हर चीज़ का मेंशन किया हुआ। ये देखिए दोबारा दिखा देता हूँ सर, देखिए ये देखो, यानी कि आप जितने भी किलोमीटर चलेंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम किसी कमर्शियल में बैठे हैं, आपको एक कार की तरह लुक बिल्कुल लगेगा देखने को, और कार की तरह ही महसूस होगा। इसी तरह अगर अंदर का व्यू देखेंगे तो देखिए अंदर का जो व्यू है वो बिल्कुल कार की तरह है, बिल्कुल कार की तरह है, और जैसे हम कार के में एक सफ़र कर रहे हैं। सनराइजेज ये है अपना, ये देखिए, और पीछे का व्यू देखने के लिए इसमें आपको मिरर दिया हुआ है। डैशबोर्ड की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं डैशबोर्ड इतना शानदार है कि देखने में इतना आकर्षक लगता है कि आप फीलिंग नहीं ले पाओगे कि भाई हम कमर्शियल काम करते हुए कार में कार वाला आनंद ले रहे हैं। इसमें आपको पार्किंग की दिया हुआ है साथ में, साथ साथ पार्किंग की ये दिखा दीजिए भैया एक बार इनको, ये पार्किंग के लिए आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही में इसमें आपको चार्जर की सुविधा दी हुई है, ग्लो बॉक्स आपका, ये देखिए आप अपना पेपर वगैरह आराम से रख सकते हैं, फुल स्पेस है इसके अंदर, और जिसमें कि आपके कीमती सामान है, RC वगैरह है, जो भी अपना आप आराम से रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें ऊपर भी बॉक्स दिया हुआ है, आप इसमें भी ऊपर रख सकते हैं कुछ भी सामान लेते हैं।
इससे अलग है देखा जाए तो आप इसमें म्यूजिक सिस्टम की जगह दी हुई है। कमर्शियल व्हीकल होने के कारण आरटीएस पास नहीं करता, तो इसमें आपको स्पेस दिया गया है कि अगर आप बाहर से लगवाना चाहे तो आप इसमें लगवा सकते हैं। बात करें गियर की, गियर इतने स्मूथ है कि आप देखो ये देखो आप लगा रहे देखो बिल्कुल कार की तरह बिल्कुल इशारा चाहिए उंगली का और ये बिल्कुल आराम से लग रहे हैं। यानी कि कोई हार्ड वगैरह जैसे पहले ट्रैक्टर वगैरह ये बिल्कुल हार्ड आते हैं, एक महिंद्रा ने एक लग्जरी गाड़ी बनाई है बिल्कुल स्मूथ गियर, एक उंगली से लगा सकते हैं बिल्कुल। साथ ही साथ देखेंगे आप यहाँ पे नीचे आपको बोतल होल्डर रखने की जगह दी हुई है, आप बोतल और गिलास आराम से इसमें लगा सकते हैं। हैंड ब्रेक की अगर बात करें तो हैंड ब्रेक जो इसका सर आपको मिलेगा बीच, ये देखिए आप आराम से आनंद ले सकते हैं साइड में। ड्राइवर और को ड्राइवर की इसमें जगह दी हुई है, ड्राइवर के साथ को ड्राइवर की सीट पे आप वैसे आरटीएस एक ही बंदे की पास है लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं बैठा हूँ साथ में तो एक बंदा और बैठ सकता है, तो दो बंदों के बैठने की साथ में सुविधा है। इसके साथ साथ ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए आपको सीट बेल्ट की सुविधा भी इसमें दी हुई है, आप अगर बैठते हैं तो इसमें आप सीट बेल्ट आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप सीट बेल्ट लगा के आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब गाड़ी के बारे में मैंने आपको अंदर से भी बताया बाहर से बताया, मैं थोड़ा सा इसके इंजन के किस एप्लीकेशन में यूज होगी क्या हॉर्स पावर है मैं सब के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। तो अगर हम बात करें सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक का जो इंजन आएगा आपका 909 सीसी का इंजन आएगा, 909 सीसी के साथ साथ इसका जो हॉर्स पावर होगा 27 हॉर्स पावर में आपको इसमें गाड़ी में इंजन आएगा। इसके साथ साथ अगर पटे की बात करें, पटे कमाने में आपको 7 पटे पीछे मिलेंगे और 8 पटे आपको आगे मिलेंगे फ्रंट और रियर। अगर हम बात करते हैं ब्रेक्स की, तो फ्रंट में आपके डिस्क ब्रेक है और रियर में आपके ड्रम ब्रेक्स है। साथ साथ क्लच प्लेट की तो आप स्मूथली है, क्लच प्लेट की वैसे कंपनी कोई गारंटी देती नहीं लेकिन फिर भी इसमें एक दमदार जानदार क्लच प्लेट है। एवरेज की अगर बात करेंगे तो एवरेज की अगर कंपनी जो क्लेम करती है 23+ ही क्लेम करती है लेकिन एवरेज के बारे में हम कभी किसी को क्लियर नहीं बोल सकते क्योंकि वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कैसे चला रहा है, कहाँ किस रोड पे यूज कर रहा है, किस गियर में चला रहा है, किस काम में चला रहा है। तो एवरेज रियलिटी में जो बात होती है एवरेज आपकी ड्राइवर के ऊपर डिपेंड होती है वो गाड़ी को कैसे मेंटेन कर रहा है। तो जैसे कि कंपनी क्लेम करती है इसको 23-21 लेकिन रफ एंड टफ भी अगर चलाओगे तो आपकी 20 की माइलेज हंस के आएगी, तो आप उसमें भी आप बचत कर सकते हो या पैसा कमा सकते हो। एक 2 सिलेंडर गाड़ी और आपको 20+ की आपको एवरेज मिल रही है तो बेहतरीन कमाने का तरीका है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं किस किस एप्लीकेशन में ये गाड़ी यूज होती है, आप महिंद्रा की सुप्रो मिनी ट्रक को आप गैस एजेंसी में, जैसे कि आप सिलेंडरों का काम है सिलेंडर को ले जाने में घर घर तंग गलियों में, आगे स्पेस भी कम है तंग गलियों में भी आराम से ले जाके इसको घर घर सिलेंडर, जैसे आजकल डोर टू डोर की सर्विस दी हुई है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। उससे अलग आपका दूध का काम है तो आप इसे दूध में मिल्क में जैसे कि पैकेट वाला हो गया या फिर आपका डेयरी का काम हो गया तो आप जो मशीनरी पीछे रखवा सकते हैं तो इसमें आप दूध के काम में भी आपको ये सक्सेस हो सकती है। साथ ही साथ आपका कृषि का विभाग खेती का काम है तो आप इसमें खल बिनोले का इसका भी काम कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, बाकी सबसे ज़्यादा तो आपकी ये स्टैंड ऑपरेटर में और फर्म में सबसे ज़्यादा चलती है क्योंकि लिमिट का वजन और लिमिट का ही सामान उठाने में आराम से ये ले जा सकती है। ज़्यादा वजन इसमें उठा नहीं सकते क्योंकि इसका जो लिमिट है जो पास है आपकी 900 kg पास है और उठाने की क्षमता जो है 2 टन तक आराम से इसमें उठा सकते हैं। चारों तरफ से देख ही लिया होगा और अब मैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में किस किस एप्लीकेशन में हमारी ये गाड़ी यूज होती है और इसमें आपको क्या क्या फायदा है, कहाँ कहाँ आप बचत कर सकते हैं, किस प्रकार से बचत कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको अभी गाड़ी के बारे में सब बताता हूँ। एक्सप्लेन करेंगे हमारे मिस्टर विजय शर्मा, सेल्स मैनेजर पानीपत पीपी ऑटोमोटिव से। बताइए सर। महिंद्रा नमस्कार दोस्तों, माय फ्रेंड सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक, प्रॉफिट मीन्स मुनाफा, फायदा
एक गाड़ी मेरी सुप्रो के नाम से जो आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा, अभी आपके सामने महिंद्रा का प्रोडक्ट सुप्रो प्रॉफिट ट्रक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। प्रॉफिट मीन्स मुनाफा, मीन्स फायदा। ये गाड़ी आपको कैसे प्रॉफिट देगी, किस हिसाब से प्रॉफिट देगी, इसके बारे में आज बात करेंगे। व्यूअर्स, महिंद्रा सुप्रो के नाम से मेरे काफी सारे वेरिएंट आते हैं, जिसमें से एक वेरिएंट है सुप्रो मिनी प्रॉफिट ट्रक VX। ये आपको कैसे मुनाफा देगा, कैसे फायदा देगा, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नंबर एक, आप देख रहे हैं चौड़ी विंड स्क्रीन है, जिसमें आपको विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी। महिंद्रा का साइन लोगो है, जो पहचान है महिंद्रा की, साइन ग्रिल के साथ है। माय फ्रेंड्स, महिंद्रा ने इस गाड़ी को इस तरीके से डिजाइन किया है इस सेगमेंट में कि आपको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगी। नंबर एक, मैं आपको बता देता हूं, जो आप नोज देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे निकला हुआ हिस्सा है जो सुप्रो का, ये आपको सेफ्टी देता है। सेफ्टी मीन्स आपको थोड़ा कॉर्नर से दिखाएंगे कि आपको ये नोज बिल्कुल क्लियर दिखेगी, जो किसी और अभी बात कर रहे थे नोज की, ये नोज टाइप डिजाइन में आपको क्या मिलता है। दरअसल जब गाड़ी बनाए, एक गाड़ी तैयार करते हैं तो वो क्रैश टेस्ट से पास होके तैयार होती है, तो ये क्रैश टेस्ट से पास गाड़ी है। और इसमें आपके ड्राइवर को, ड्राइवर को कम से कम नुकसान जाए, इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर रोड्स वगैरह फिट है, इस एरिया में रोड्स वगैरह फिट है, और कंट्रोल जोन बोलते हैं उसको, जो इंपैक्ट होने पे आपकी सुरक्षा करता है। सबसे मेन बात है सेफ्टी, अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। अब हम बात करते हैं मजबूती की, स्टेबिलिटी की, और गाड़ी की पावर की। 909 सीसी इंजन की पावर है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। टायर साइज आप देख रहे हैं, टायर साइज नॉर्मल इस सेगमेंट की जितनी गाड़ियां हैं उन सबसे बड़ा है, यानी आप रफ एंड टफ जैसे मर्जी इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। क्या था इस गाड़ी में, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन था सामने की तरफ, अब इसमें पटे कमानी दे दिए गए हैं। रगड़ है, रफ एंड टफ है, आप जिस तरीके से मर्जी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आगे भी और पीछे भी आपको दोनों साइड में पटे मिले, तो इससे आपकी गाड़ी की ज्यादा मजबूती बनती है और स्टेबिलिटी होती है, और वेट उठाने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा वेट उठा सकते हैं। उसके बाद लोडिंग एरिया की बात करेंगे, 5x7.5 का लोडिंग एरिया है, आप ज्यादा सामान कैरी कर सकते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं। चलिए जी, मेरे दोस्तों, आमतौर पर धारणा होती है कि ये लोडिंग एरिया कमजोर होता है, नहीं, ये महिंद्रा ने जो तैयार किया है, डिजाइन किया है, ये मेरा लोडिंग एरिया रेन रस्टेड है, ये जंग नहीं खाएगा, ये तो फाइनल है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कभी खत्म नहीं होता, हर एक चीज की लाइफ होती है, बट ये और जो आप बॉडी तैयार करते हैं या किसी और गाड़ी का लोडिंग एरिया, उससे ज्यादा बढ़िया, यानी यहां भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। गाड़ी के बारे में, गाड़ी के फीचर्स के बारे में, हर चीज के बारे में मैंने गाड़ी से आपको रिव्यू करवाया, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और मेरी इस इन वीडियो को देखते रहना। धन्यवाद।